तो जोरदार नारा लगाएंगे और थोड़ा सा जोश से भर के बहुत सारे युवा साथी हैं, तो जय 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 भीम, तो जय पेरियर जय भीम, तो जय जय फूले जय भीम, जय जय सावित्री जय भीम। तो हम क्या चाहते हैं, हम छीन के लेंगे तो जातिवाद से, तो ब्राह्मणवाद से, तो मनुवाद से हम छीन के लेंगे, ए हक हमारी, ए जान से प्यारी, ए प्यारी प्यारी, तो इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, तो मनुवाद हो बर्बाद, तो जातिवाद मुर्दाबाद, तो नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। अच्छा साथियों, तो सर ने बहुत सारी बातें कही, उसमें भी कुछ बातें जोड़ते हुए और कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें बोलूंगा। दोस्तों, आज जो हम जिस जगह खड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक मूर्ति की बात नहीं है। हाँ, मूर्ति का विरोध है, मूर्ति का विरोध करेंगे, लेकिन सिर्फ मूर्ति की बात नहीं है, बात है मनुवाद की, बात है ब्राह्मणवाद की। और इसी मनुवाद, इसी ब्राह्मणवाद की वजह से एक 9 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल को जालौर में पीट पीट के मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वह दलित परिवार से था। और उसने क्या गुनाह किया था? उसने गुनाह यह किया था दोस्तों कि उसने सिर्फ एक मटका छू लिया था एक तथाकथित सवर्ण व्यक्ति का, और उसको 9 साल के बच्चे को पीट पीट के मार दिया जाता है। उसके बाद जालौर में 2000 लोगों की सभा होती है ये कहते हुए कि हमारे यहां छूत अछूत नहीं है। उन्हें बहुत बढ़िया, आप सोचिए ऐसा घटिया समाज, ऐसा वाहिया समाज जिसमें हम जी रहे हैं, 2000 लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं, हत्यारों के पक्ष में, और कहा जाता है सोशल मीडिया पर चलाया जाता है कि कोई मटकी ही नहीं थी। आप सोचिए, ये हमारा समाज है, इस समाज में रह रहे हैं। जितेंद्र मेघवाल मूछ रखने के लिए पीट पीट के मार दिया जाता है। उसके बाद में इंद्र मेघवाल के घर वालों को उस पर भी हमला होता है, उनकी हत्या करने की कोशिश होती है। सोचिए, ये समाज है, ये मनुवादी समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है। इस देश में संविधान 1950 में लागू हो गया था, लेकिन समाज में लागू नहीं हुआ है दोस्तों, समाज में लागू नहीं हुआ है। यहां इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ऐसे 40 से 50 हजार घटनाएं होती है हर साल एसटी एक्ट में दर्ज। आप सोचिए, ये समाज है, और इसका प्रतीक इन्होंने लगा रखा है हाई कोर्ट में। आप सोचिए, मनुवाद की विडंबना और मनुवाद की स्थिति कितनी ज्यादा है, किस तरह से मानसिकता घुसी हुई है लोगों में, चाहे वो जज हो, चाहे हमारी सरकारें हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, ये दोनों मनुवादी हैं। ये कितने भी बातें करते हैं कि हम हटा देंगे, ये कर देंगे, अरे 1989 में कांग्रेस की सरकार थी ना, तो आपने क्यों लगने दिया? आज कुछ भी बोलते रहे राहुल गांधी, लेकिन उस समय इतने साल से इनकी आपकी सरकार है, क्या किया आपने, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और जहां तक आरएसएस की बात है, तो आरएसएस जो ये बात करती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र अच्छी बात है ना, हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है, कहते हैं भाई मैं भी हिंदू तुम भी हिंदू, हिंदू राष्ट्र होगा, हमारा तुम्हारा राज होगा। तो इस बात को समझिए दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का मतलब मनुवाद का राज है, मनुस्मृति का राज है। हिंदू राष्ट्र का मॉडल है इंद्र मेघवाल का मॉडल, हिंदू राष्ट्र का मॉडल है जितेंद्र मेघवाल का मॉडल, हिंदू राष्ट्र में ये हर रोज होगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, ये जो समाज है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो धर्म है, ये अपने आप में ऊंच नीच पैदा करता है, ये अपने आप में किसी को ऊंचा किसी को नीचा कहता है।
ये क्या बोलता है मनुस्मृति? जैसे सर ने बताया, मनुस्मृति कहती है अगर कोई शूद्र, तथाकथित शूद्र, शूद्र कौन है जैसे सर ने बताया, एसटी एससी ओबीसी मुसलमान, यानी इस देश के 85% लोग या 85 से 90% लोग, 85 से 90% लोगों के बारे में क्या लिखा है मनुस्मृति में? ये लिखते हैं कि अगर कोई तथाकथित शूद्र व्यक्ति किसी ब्राह्मण को धर्म उपदेश दे दे तो उसके मुंह में गरम जलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। अगर कोई शूद्र व्यक्ति किसी तथाकथित सवर्ण के साथ बैठने की इच्छा रखे, बैठे नहीं, क्या रखे, इच्छा रखे, तो उसके पीछे का हिस्सा काट देना चाहिए। यह मनुस्मृति यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति किसी तथाकथित सवर्ण को ऊंची आवाज में बात करे और कह दे, उसके सरनेम से बात करे, उपनाम से बात करे, मतलब शर्मा जी, गुप्ता जी आदि आदि बोल दे, तो क्या करना चाहिए, तो उसके मुंह में गरम चलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। आप सोचिए, ये इस मनुस्मृति को, इस मनु को हमने मूर्ति लगाकर हाई कोर्ट में लगा रखा है जहां लोग न्याय मांगने आते हैं। ये समाज है, ये स्थिति है, और हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं इस देश में, चाहे कांग्रेस आता है या बीजेपी, ये दोनों ही पार्टियां मनुवादी हैं और मनुवाद से ही राज करता है। ये राज्य का चरित्र है मनुवादी, ब्राह्मणवादी इस राज्य का चरित्र है। और महिलाओं के बारे में क्या लिखा है, यहां महिलाएं बैठी, हमको सुनना चाहिए। महिलाओं के बारे में ये लिखा है कि बचपन में महिला पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन रहे और बुढ़ापे में लड़के के अधीन रहे। महिलाओं को स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं को चूल्हा चौके में झोंक देना चाहिए, जिंदगी भर वो चूल्हा चौके में रहे और आगे ना बढ़े। ये जो मानसिकता है दोस्तों, ये हमारे देश को चलाती है। हाँ, संविधान लागू हो गया 1950 में, लेकिन आज भी समाज में संविधान लागू नहीं हुआ है दोस्तों। गलत बोल रहा हूँ बताइए, गलत बोल रहा हूँ मैं? संविधान लागू हो गया है, लेकिन हमारे दिमागों में, हमारे समाज में लागू नहीं हुआ दोस्तों। तो इसीलिए हमको ये समझना होगा, ये जो हिंदू राष्ट्र की कोशिश है, इसकी आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश है, इसको एक्सपोज करना होगा दोस्तों। हिंदू राष्ट्र क्या है, इसको समझिए। हिंदू राष्ट्र है सवर्णवादी राज, हिंदू राष्ट्र है ब्राह्मणवादी राज, ये है हिंदू राष्ट्र। ये जो आचार्य धर्मेंद्र, जिसने यह मूर्ति लगाने का काम किया है, यही आचार्य धर्मेंद्र है जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ने का काम किया था, यही आचार्य धर्मेंद्र है। दोनों लोग एक ही है। यही लोग दलितों, महिलाओं के खिलाफ है, यही लोग मुसलमानों के खिलाफ भी है, यही लोग मुसलमानों के खिलाफ भी है। हमारे जयपुर के इलाके में जाके देखेंगे तो वाल्मीकि इलाके मुसलमान इलाके साथ में है कि नहीं है? है ना, हमारे साथी आ रहे हैं, वाल्मीकि इलाके मुसलमानों के इलाके के साथ में। और क्या करते हैं ये लोग, ये आपको लड़ा देंगे आपस में, एससी समाज के लोगों को और मुसलमानों को लड़ा देंगे और बोलेंगे हिंदू, तुम हिंदू बनो हिंदू। अरे सारे हिंदू बराबर हैं तो इंद्र मेघवाल को क्यों मारा जाता है? सारे हिंदू बराबर हैं तो जितेंद्र मेघवाल को क्यों मारा जाता है? सारे हिंदू बराबर हैं तो हाथरस में उस बच्ची की लाश को क्यों जला दिया गया? और सारे सवर्ण मिलके एक साथ में बोलने लगे कोई बलात्कार हुआ ही नहीं था। सारे डीएम ने एसपी सब साथ में आ गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में। हम लोग ने आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, हम पे मुकदमा कर दिया हाथरस के मुद्दे पे। सोचिए, ये कांग्रेस सरकार, यही कांग्रेस सरकार जो खुद आंदोलन कर रही थी वहां पर, हम पे मुकदमा कर दिया हाथरस वाले मुद्दे पे। आप सोचिए, ये है यहाँ पर हालात। तो असली बात यह है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है समझिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अदानी अंबानी का राज। हिंदू राष्ट्र का मतलब है बड़े बड़े जो ये बाबा लोग है ना, बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े मठाधीश, उनका राज। आम लोगों का राज नहीं है, मजदूर किसान का राज नहीं है दोस्तों। मजदूर किसान का तो आपस में लड़ाया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे। और सारे नेता जो बन जाते हैं वो तथाकथित उच्च कुल को मानने वाले लोग, जो खुद उच्च मानते हैं खुद को, वो बन जाते हैं नेता। तो 1992 में कौन नेता बना? अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन बना? आडवाणी है। 2002 में दंगे करवाए, कौन बना? मोदी बना, अमित शाह बना। और हमारे एसटी एससी ओबीसी के लोग कहां गए? सारे जेल में। तो ये खेल है, इसको समझिए, इसको समझिए। मुसलमान दुश्मन नहीं है, मुसलमान जो है वो छुआछूत नहीं करता दोस्तों, वो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग करते हैं छुआछूत, मुसलमान नहीं करता, इसको समझिए। और जो आखिरी बात बोलूंगा, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हमारे शिक्षा का अधिकार किसी ने दिया है, वो सावित्री बाई फूले ने दिया है, फातिमा शेख ने दिया है। और जब सावित्री बाई फूले पहला स्कूल खोलने के लिए गई थी ना, तो उनका विरोध ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने किया था। उनके साथ की देने वाले कौन थे? उस्मान शेख थे उनका साथ देने वाले, फातिमा शेख थी उनका साथ देने वाली, वो लोग थी। तो जितनी तो ये देश जितना सावित्री बाई फूले का है, उतना फातिमा शेख का भी है। ये देश जितना राम प्रसाद बिस्मिल का है, उतना अशफाक उल्ला खान का भी है दोस्तों। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए हमको।
तो आखिरी बात दोस्तों हमको समझना होगा, आज भगवान महात्मा बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही है, हमें कैसा समाज बनाना चाहिए। तो बुद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम धम्म में आओ, जब तुम संग में आओ, तो जिस तरह से सागर में नदियां मिल जाती है तो पता नहीं चलता कौन सी कृष्णा, कौन सी गंगा, कौन सी गोदावरी, उसी तरह जब तुम संग में आओ, जब तुम धम्म में आओ, तो पता नहीं चलना चाहिए कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय है, सारी सारी जो हमारी पहचान है उनको छोड़ के आओ। ये बात, ऐसा देश बनाना है दोस्तों, हमें ऐसा देश बनाना है, और इसीलिए आरएसएस और मनुवाद से सीधे सीधे लड़ाई लड़नी होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।